साइज गेन करने के लिए जरूरत है हैवी वेट्स और एक हाई कैलोरी डाइट की। इसलिए आज मैं आपको 3 हाई कैलोरी रेसिपी सिखाने वाला हूं जो आपकी हेल्प करेगा बल्किंग और साइज गेन करने में। अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो पहले उस सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि हम कनेक्टेड रह सके। इस वीडियो में बताई जाने वाली सभी रेसिपीज सेहत और स्वाद से भरपूर है और इन्हें कुक करना भी बहुत ही आसान है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम कुक करने वाले हैं मेरी फेवरेट डिश हमस। इसकी एक प्लेट में 950 कैलोरीज, 125 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 45 ग्राम प्रोटीन और 30 ग्राम फैट है। जिन लोगों को भूख कम लगती है उनके लिए ये एक परफेक्ट वेट गेन फूड ऑप्शन है। इसे कुक करने के लिए आपको सबसे पहले 200 ग्राम सफेद चने को एक रात के लिए पानी में भिगोकर रखना है। फिर अगले दिन आप इसे कुकर में 3 सीटी के लिए उबाल लीजिए। इसके बाद इसका पानी गिराकर आप इसे अपने हाथों से थोड़ा साफ कर लीजिए। जो छिलके उतर रहे हैं उनको आप अलग कर दीजिए। इसके बाद इसको एक मिक्सी में डालकर ग्राइंड करना है। ये सस्ते मिक्सी है क्या? मिक्सी नहीं होगा। इसे ढंग से मिक्स करने के लिए हम इसमें 2-4 चम्मच और पानी और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करके इसे फिर से ग्राइंड करेंगे। आखिर में आपको इसमें ऐड करना है 4 लहसुन के टुकड़े, जरा सा नमक, आधा नींबू का जूस, 1 चम्मच और ऑलिव ऑयल और साथ ही साथ 20 ग्राम ताहिना पेस्ट। ताहिना पेस्ट इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे घर पे खुद भी बना सकते हैं तिल के बीज का इस्तेमाल करके। अब आपको इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करना है और हो गया आपका हमस तैयार। पर अभी आपको इसे खाना नहीं है, पहले इसे थोड़ा सा सजा लेते हैं। और अब आप इसे खा सकते हैं। हमारी अगली रेसिपी है शेजवान फ्राइड राइस। और कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, शेजवान की स्पेलिंग आपको जिंदगी भर याद नहीं होने वाली। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम चावल, थोड़ी सी हरी सब्जियां और 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। तो भाई तुम लोग चिकन ब्रेस्ट को टोफू से रिप्लेस कर दो। चावल को आप कुक कर लीजिए और चिकन को आप 15 मिनट के लिए उबाल लीजिए। अब ये दोनों चीजें हो गई है तैयार और हमें चाहिए एक पैन। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, प्याज। जब आपके प्याज भूरे रंग के होने लग जाए आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी की सब्जियां पलट दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें अपने चिकन और चावल ऐड करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, 1/2 कप पानी में 1/2 पैकेट चिंग्स शेजवान फ्राइड राइस मसाला ऐड कीजिए। इससे ज्यादा ऐड करोगे तो टटियां लग जाएगी, कम ऐड करोगे तो स्वाद नहीं आएगा। इसे अच्छे से मिक्स करके अपने पैन में पलट दीजिए। सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे 5 मिनट के लिए पकने दीजिए। और तैयार है आपका 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 35 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फैट और 465 कैलोरी से भरपूर एक कंप्लीट बॉडी बिल्डिंग मील। जो लोग ऑफिस या कॉलेज जाते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा लंच ऑप्शन है। हमारी आखिरी रेसिपी है 31 ग्राम प्रोटीन, 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और सिर्फ 5 ग्राम फैट्स के साथ प्रोटीन स्मूदी। ज्यादातर प्रोटीन स्मूदीज में लोग ओट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर इसकी 2 दिक्कत है। एक तो कच्चे ओट्स का स्वाद बड़ा ही अजीब सा लगता है और दूसरा ऐसे ओट्स कंज्यूम करके बहुत से लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है। इसीलिए हमारी प्रोटीन स्मूदी में हम फ्लैट राइस का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी मम्मी पोहा बनाती है। इसका टेस्ट बेहद न्यूट्रल रहता है और इसे डाइजेस्ट करना भी ओट से आसान है। सबसे पहले आप 100 ग्राम फ्लैट राइस को मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। ध्यान रहे कि ये ऐसे अच्छे से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद आप इसमें 100 ग्राम दही, 150 ग्राम दूध ऐड कीजिए। मैं यहाँ पर 1 स्कूप मैंगो फ्लेवर वे प्रोटीन ऐड कर रहा हूँ, पर आप इसे
रॉ वे के साथ भी बना सकते हैं। रॉ वे के साथ जब आप इसे बनाएंगे तो इसमें आप अपनी पसंद का कोई 200 ग्राम फल ऐड कर दीजिए। ऐसा करने से आपको 30 से 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आखिर में आपको बस मिक्सर ऑन करके इसे ग्राइंड करना है और हो गई आपकी प्रोटीन स्मूदी तैयार। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। इन रेसिपीज को जब आप ट्राई करेंगे तो उसे इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालकर मुझे टैग जरूर कीजिएगा। आईडी है अल्फा यश। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस। I got food up in the fridge.